बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोटा के अंदर वर्षों से आईटीआई चल रही है और पूरे देश के अंदर आईटीआई चल रही है। अभी अभी जो पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो वास्तव में मतलब बहुत ही चिंताजनक बयान है। और ये शोचनीय प्रश्न है एक कि वर्षों से आईटीआई वालों को और अप्रेंटिस वालों को रेलवे की वैकेंसियों में प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अभी जो हाल ही में इन्होंने कहा कि भाई हम बेरोजगारी कम करेंगे और बेरोजगारी कम करने के माध्यम से इन्होंने आनंद फानंद में जो वैकेंसियाँ निकाल दी, अब इनका वास्तविकता में मकसद तो ये है कि इनको बेरोजगारों को रोजगार देना ही नहीं है। देना जो यदि होता रोजगार तो इस तरीके की शर्त लागू नहीं करते कि भाई डी ग्रुप की जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के अंदर आईटीआई के छात्रों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। आपको मालूम है उधर एग्रीकल्चर के अंदर जो एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग कर रहे हैं उन एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग करने वालों को 2 महीने आंदोलनरत हो गया, लेकिन उनमें कहा जा रहा है कि वो फॉरेस्ट की वैकेंसियों में वो इंटाइटल नहीं है। तो जब वो इंटाइटल नहीं है तो इन लोगों को कोर्स क्यों कराया जाता है, इन बच्चों के साथ में इनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अब सोमवार या मंगलवार को सारे छात्र इकट्ठे होकर के रेल मंत्री के नाम पे एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और उसमें कहा जाएगा कि इसको निरस्त करके तुरंत प्रभाव से आईटीआई वाले बच्चों को इसमें प्राथमिकता दी जाए, और यदि प्राथमिकता नहीं दी गई तो न केवल हाड़ौती अपितु संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर छात्रों को लेकर के एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, दूसरी ओर वन विभाग के छात्र भी आंदोलनरत हैं, सब छात्रों को एकत्रित करके और मैं स्वयं इस मामले में सरकार से बात करूंगा और बात करने के बाद में जो न्यायोचित निर्णय नहीं मिला तो हम अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, इसके आगे कार्रवाई नहीं होगी तो और आगे से आगे बड़े से बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इन छात्रों के साथ राजकीय महाविद्यालय कोटा से भी पूरा समर्थन है और सभी छात्र सड़कों पर उतरेंगे तथा उग्र आंदोलन करेंगे। अभी क्या दिक्कत आ रही है, किस लिए मांग कर रहे हैं कि अभी जो आईटीआई की ग्रुप डी की रेलवे की वैकेंसी निकाली थी रेलवे बोर्ड ने, उसमें आईटीआई की अनिवार्यता को हटा दिया गया है और ये आईटीआई करने वाले छात्रों के साथ अन्याय है जिसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त